हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आपका आज के बिग न्यूज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कल ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है उसके बारे में जो ये प्लेटफॉर्म है ये अकॉर्डिंग टू आर प्राइम मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच ही हैज़ बीन द गवर्नमेंट हैज़ बीन कैरिंग आउट उनमें से एक है इट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन आर कंट्री पहले भी कुछ हुए हैं जिनको हम टूवर्ड्स दी एंड डिस्कस करेंगे और ये उनमें से एक है द बेसिक आइडिया इज़ इसमें जो बोला गया है वो ये है कि जो हमारे देश के टैक्स पेयर्स हैं जो ऑनेस्ट टैक् टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑनर करने का टाइम आ गया है और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए टैक्सेशन को इजी किया जा रहा है ताकि कंप्लायंस और बढ़ सके बिकॉज uh, ऐसा माना जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टैक्स सिस्टम uh, uh, हमारे देश का और उस वजह से भी बहुत लोग टैक्स एम्बिट में नहीं आ पाते तो एक तो उसको ईजी करने के लिए कंप्लायंस बढ़ाने के लिए एंड दूसरा टू ऑनर द ऑनेस टैक्स पेयर्स बिकॉज आउट ऑफ यू नो बिग पॉपुलेशन ऑफ़ आर कंट्री बहुत ही कम परसेंटेज है जो टैक्स देते हैं और उनमें से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो जितना उनका एक्चुअल में लेज़र टैक्स बनता है उतना नहीं दे पाते तो इन सब इश्यूज़ को एक तरह से uh, रिजोल्व करने के तरफ ये एक पहला स्टेप माना जा सकता है सो so, uh, शुरू करते हैं सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म सो इट इज़ बेसिकली टू ऑनर द ऑनेस्ट टैक्स टैक्स पेयर्स ऑफ आर कंट्री सो ऑबियसली टैक्स पेयर्स ए प्ले अ वेरी बिग रोल इन द नेशन बिल्डिंग और हमारे जो देश अभी हैज़ बीन हिट बाय अ पैंडमिक सो यू नो दे कैन एक्चुअली हेल्प टू टेक और दे विल राधर हेल्प टू टेक द इकॉनमी फॉरवर्ड वो इकोनॉमी को वापस ट्रैक में लाने के लिए उसको फॉरवर्ड लेके जाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे सो द आइडिया इज़ टू ऑनर देम देन दी अदर इज़ ऐसा माना जाता है कि जो अभी रूल्स और रेगुलेशन है दे आर प्रोसेस सेंट्रिक एंड पावर सेंट्रिक अप्रोच इज़ देअर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड और आदर यू कैन दैट द गवर्नमेंट इज़ नाउ मेकिंग इट पीपल सेंट्रिक एंड पब्लिक फ्रेंडली इट इज़ अगेन अनादर स्टेप टूवर्स मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सीम गनेंस जो uh, अभी गवर्नमेंट का नारा है कि गवर्नमेंट मिनिमम हो गवर्नेंस मैक्सीम हो एक तरह से कम्प्लायंस बढ़े बिकॉज अभी लो कम्प्लायंस है उसको uh, बढ़ाना है क्यर लॉ क्लियर लॉस ले करने हैं ठीक है द आइडिया इज दैट ओ ओ ओ ओ ओके सो द एफर्ट टू मेक आर टैक्स सिस्टम सीमलेस पेनलेस एंड फेसलेस सीमलेस मत का मतलब है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें रादर देन इंगेजिंग एवरी टैक्स पेयर ठीक है तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो आप लगा लीजिए जो उनकी मिनिमम उनका मिनिमम उनका आप ले लीजिए कि टाइम लगे है ना कंप्लायंस उसी वजह से बढ़ेगा और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे राइट एंड यू कैन से दैट द टैक्स पेयर्स डू नॉट हैव टू विजिट द ऑफिस एवरी टाइम है ना आ, तो उस चीज़ को भी एक तरह से प्रोसेस को थोड़ा इवोल्व किया जाए ताकि ये जो सारा टैक्स टैक्सेशन है ये सीमलेस हो जाए राइट देन पेनलेस पेनलेस मीन्स राइट फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू द रूल्स द प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड क्लियर लॉस शुड बी देर एंड लाइक द लाइक आई सेट द प्री द प्राइम मिनिस्टर सेट दैट द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो कि हमारे देश में है इज वेरी स्मॉल परसेंटेज एंड फंडामेंटल रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर नीडिड इन द इंडियन टैक्स सिस्टम सो जो हमारा पहला उन्होंने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म सो ये जो इनकम टैक्स सिस्टम्स है उनमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा है ना इट विल एम्पार द टैक्स पेयर्स सो इसमें देखो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है फेसलेस असेसमेंट होगी फेसलेस अपील होगी और टैक्स पेयर चार्टर होगा जो फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर है इट विल कम इन टू प्लेस इमिजिएटली ठीक है ये कल से ही लॉन्च हो गया था इट केम इन टू बीक जो फेसलेस अपील है वो थोड़ा लेटर आएगा फेसलेस असमेंट फेसलेस असेसमेंट क्या है कि जो इंटरफेस है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द आई टी डिपार्टमेंट वो अब ख़त्म हो जाएगा ठीक है टैक्स पेयर डज नॉट नीड टू कम टू द इनकम टैक्स ऑफिस और टू दफिसर ठीक है सो द आइडिया इज़ कि हम टैक्स पेयर के लिए ईजी बनाएंगे एक तो ठीक है और दूसरी चीज़ है कि टैक्स पेयर को सिलेक्ट uh, किया जाएगा थ्रू सिस्टम्स यूजिंग एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल तो अगर मैं फेसलेस असेसमेंट को और डिटेल में आपको समझाऊं पहली चीज़ है कि सिलेक्शन ऑफ अ टैक्स पेयर विल ओनली अकर थ्रू द सिस्टम यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड ए आई ठीक है कि जो भी केस है दैट विल बी एलोकेटेड ऑटोमेटेडली एट रैंडम पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज देर विल बी अबॉलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्टिक्शन इसका मतलब क्या है कि टैक्स पेयर एक सिटी को बिलोंग करेगा लेकिन आई टी आर वुड बी असिस्ट इन अदर सिटी थ्रू रैंडम सिलेक्शन बाय द कंप्यूटर ठीक है सो देर इज ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन ऑफ द केसेस देन जो नोटिस हैं वो भी सेंट्रली इशूड होंगे विद अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देर विल बी नो फिजिकल इंटरफेस एंड यू डोंट हैव टू विजिट द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिस, दैन टीम बेस्ड असेसमेंट्स होंगी टीम बेस्ड रिव्यू होगा और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एक सिटी में होगा रिव्यू दूसरी सिटी में होगा और फाइनलाइजेशन इन द थर्ड सिटी एंड देन दीज़ वुड बी टीम बेस्ड असेसमेंट्स तो ये कुछ नए फीचर्स हैं टू द फेसलेस असेसमेंट उसके बाद जो एक्सेप्शन हैं ना वो होंगी सीरियस फ्रॉड्स मेजर टैक्सीवेशन सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स ठीक है इंटरनेशनल टैक्सेशन ब्लैक मनी एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी भी कुछ एक्सेप्शनस रहेंगी ठीक है सो नेक्स्ट इज फेसलेस अपील इसमें क्या होगा अपील्स विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर इन द कंट्री और जो आइडेंटिटी है ऑफिस की वो भी हमारी अननोन रहेगी barring exceptions assessment and appeals will be faceless it uh, will be faceless sorry so like i said the exceptions i just mentioned right so they also the new system says that there can be no intrusive and surface uh, survey actions by the officers और जो इंक्लूजिव या कोई भी एक्शन लेना है एज फार एज सर्विस कंसर्न वो इन्वेस्टिगेशन विंग या फिर टी डी एस विंग ही करेगी कोई फील्ड ऑफिसर नहीं करेगा बिकॉज दैट लीड्स टोल आर ऑफ करप्शन एंड दैट वुड ओनली बी डन बाई अप्रूवल बाई ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ चीफ़ कमिश्नर या फिर उसके ऊपर का ऑफिसर पहले अप्रूवल देगा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन विंग या टी डी एस विंग ही एक्शन यू नो कोई लेना होगा सर्वे करना होगा तो वो करेंगे फील्ड ऑफिसर्स नहीं करेंगे जैसा कि अभी होता है राइट देन टैक्स पेयर चार्टर जो हमारा बजट आया था उसमें भी टैक्सपेयर चार्टर अनाउंस किया गया था एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैव अ स्टेटोटरी स्टेटस इट वॉज एक्सपेक्टेड टू द दिटीजनस बाय इंश्योरिंग टाइम बाउंड सर्विसेज बाय द आई टी डिपार्टमेंट ठीक है सो उसमें टैक्सपेयर चार्टर में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टैक्स ऑफिसर्स की और टैक्स पेयर्स की दोनों की दी गई हैं ये इंश्योर करेगा कि ट्रस्ट बने टैक्स पेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में और जो हरासमेंट है वो कम हो ऑफ द टैक्स पेयर्स एफिशंसी ऑफ द डिपार्टमेंट बढ़े ये बजट स्पीच में हमें बताया गया था और ये थर्सडे से इट केम इन टू बिंक सो इफ वी कॉन्क्लूड सो ऑब्वियसली फेसलेस यू नो हमारे पास सॉरी दिस इज नॉट अ पीसमेंट दिस शुड बी असेसमेंट And taxpayer charter that is going to be uh, you know available from the thir uh, from thursday that is that was yesterday or faceless appeal september 25 so these are the various tax reforms the direct tax reforms that the government is undertaking or kuch aur bhi tax uh, reforms the direct tax reforms the jaisa uh, corporate ta uh, tax rates were reduced uh, from 30 to 22 percent in 2019 dividend distribution tax was also abolished in 2019 So though he uh टैक्स रिफॉर्म्स का फोकस है कि एक तो टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाए और एक सिंप्लीफिकेशन की जाए टैक्स रेट को रिड्यूस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है और सिम्प्लीफिकेशन हम कर रहे हैं थ्रू समथिंग विच वाज अनाउंस्ड येस्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर देन दे हैव आल्सो टेकन सेवरल मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ आईटी डिपार्टमेंट जैसे कि डी आई एन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है सो यहाँ पे क्या है कि एक कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ठीक है सो दैट विल हेल्प और ये आ, एक तरह से थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ाएगा थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा देन प्री फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ठीक है ताकि कंप्लाइंस बढ़े ईजी हो टैक्स पेयर्स के लिए और कन्वीनियंट हो एंड देन वी ऑल्सो हैव डायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट टू प्रोवाइड द रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट विच वॉज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर येसटडे सो इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इट इज़ अ स्टेप विच वॉज मच नीडेड बिकॉज जितने भी हमारे देश में थोड़ा सा नंबर है ऑफ द टैक्स पेयर्स जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं दे उनका कंप्लाइंस बढ़े ठीक है और लोग भी आए टैक्स दे तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है इस्पेसली जब पैंडमिकट हैज़ हिट आर कंट्री एंड द वर्ल्ड रादर और सारी इकोनमी हॉल्ट पे है तो ये स्टेप्स विल इंश्योर के गवर्नमेंट के जो 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 पैसे हैं वो उनको आते रहे टैक्स पेयर्स भी पैसे देते रहे ठीक है सो छोटे छोटे स्टेप्स हैं सो द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग दोस राइट सो दैट वॉज ऑल